लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने बच्चों कॉन्सेप्ट देखा होगा कि हमने वेन डायग्राम और ट्री डायग्राम के जरिए से भी प्रोबेबिलिटी निकालना सीखी थी। अच्छा, ये काम ट्री डायग्राम में भी आपने किया था जो मैं आज आपको बताने लगा हूं। आज हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये लॉज वाला जो टॉपिक है ना, इसको कंप्लीट करना है इस लेक्चर के अंदर। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम कवर कर रहे होंगे। इस चीज को जहन में रखो, दो लॉज है प्रोबेबिलिटी के अंदर जो यूज होते हैं। यही लॉज आपने काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर भी पढ़े थे। ये वही चीज है, आप इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हो। इस तरह समझो कि अगर आपको कोई बोले ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ने लगे ना, ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी जाएंगे जो बुक में आपके मेंशन हुआ है। तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अभी प्रोबेबिलिटी को छोड़ दो, जब आप मैं आपको बोलूं कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो ए यूनियन बी में, ये ओ लिखा हो या एन लिखा हो या मॉड लगाया हुआ हो, इन सब का एक ही मतलब है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मॉड का मतलब, एन का मतलब, ओ का मतलब, सबका एक ही मतलब है। तो अगर आपको ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताने होते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेट के अंदर सिंपल फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस वाला काम हम इसलिए करते थे क्योंकि अगर ए और बी के दरमियान अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो आपने यहां पे भी काउंट किए हुए, वो आपने यहां पे भी काउंट किए हुए, तो एक चीज को दो दफा आपने काउंट किया हुआ, तो उसको काउंटर करने के लिए आप क्या करोगे, एक दफा उस चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे। ये जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है वो ए के अंदर भी होंगे, बी के अंदर भी होंगे, तो आपने दो दफा काउंट किया हुआ, हालांकि एक दफा काउंट करना था, तो एक दफा आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो ताकि वो चीज बैलेंस हो जाती है। ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर। इसी चीज को आप प्रोबेबिलिटी में भी ला सकते हो। आप इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, दोनों तरफ आप इक्वेशन के कुछ भी कर सकते हो, तो आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, तो एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको आप कहते हो एडिशन लॉ, या बुक वालों ने इसका ही नाम लिखा हुआ होगा, हमें नाम लिखा हुआ एडिशन लॉ लिखा हुआ शायद, हाँ एडिशन लॉ ही आप इसको कहते हो। एक एडिशन लॉ होता है, एक मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है। एडिशन लॉ पे हम फिलहाल बात करते हैं। तो ये लॉ आपने उस वक्त यूज करना है, जरा समझो इस सिचुएशन को, यूज आप कब करोगे। ये यूनियन लिखा हुआ है, ये और के साथ आता है नॉर्मली। अगर आपको बोले ना प्रोबेबिलिटी, ये जो सवाल आप लोगों ने किया था ना वेन डायग्राम का, जिसमें पार्ट टाइम बच्चे जा रहे थे और क्लब जा रहे थे, उसमें ए यूनियन बी मतलब जो पार्ट टू आप सॉल्व कर रहे थे, उसमें एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट था। मैंने बताया था वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व कर रहे हो। अगर वेन डायग्राम नहीं यूज करोगे तो यही वाला आप काम करोगे। अगर आप वहां जाके देखना ए यूनियन बी की आपने कैसे निकाली हुई थी, आप उस सवाल को इस तरह भी कर सकते थे कि जो पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, जो क्लब जा रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, माइनस कर दो जो दोनों काम कर रहे हैं, तो देखना सेम 0.85 आ रहा होगा वहां पे। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला उस वक्त यूज करते हो जब आपको सवाल में बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो, या तो इवेंट ये हो जाए, पहला वाला हो जाए, और इवेंट बी हो जाए। ये जो और है ये उर्दू वाला नहीं है, उर्दू में जब आप और बोलते हो तो नकल में दोनों एक साथ की बात कर रहे हो, तो ये इंग्लिश वाले और का मतलब कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए। लेकिन इसके अंदर तीसरी कैटेगरी भी होती है कि इंटरसेक्शन भी हो सकता है, वो आप लोगों को पता है कि अगर मैं बोलूं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो या तो ये काम हो जाए या ये काम हो जाए, तो तीन सिचुएशन बनेंगी, या तो ए हो रहा होगा या बी हो रहा होगा या दोनों हो रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि कुछ कॉमन उनके आउटकम्स हो, कि अगर वो चीज हो, इसकी इस तरह एग्जांपल समझ लो कि बिलफर्स आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो कि जिसमें आपने डाई फेंका है, आप बोलो कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई इवन नंबर आ जाए और इवन नंबर आ जाए, मतलब एक आप पॉसिबिलिटी कर लो कि आपके पास इवन नंबर आ जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी करो कि नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए। अब यहां की कंडीशन है, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, अभी आप किस तरह मालूम करोगे। अगेन वही, जब और की कंडीशन आ जाती है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होते हो। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालोगे इवन नंबर की, भाई कितने इवन हो सकते हैं, 2, 4, 6, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। ग्रेटर देन 4 नंबर कितने होते हैं, 5 और 6, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6। लेकिन अब मसला ये कि क्या ये इवेंट एक साथ भी तो परफॉर्म हो सकते हैं ना, तो अब वो चीज आपने देखो यहां पे भी 6 आपने काउंट किया हुआ, यहां पे भी आपने 6 काउंट किया हुआ, तो आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों इवेंट एक साथ कब परफॉर्म होंगे, ये दोनों इवेंट एक साथ उस पर परफॉर्म होंगे अगर आपके पास 6 आ जाए, तो ये वाला इवेंट भी परफॉर्म हो जाएगा, ये वाला भी परफॉर्म हो जाएगा, तो आप माइनस करते हो इंटरसेक्शन की, मतलब इनको दोनों को ऐड करोगे आपस में और माइनस करोगे, एक ही इंटरसेक्शन है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। ये वाला काम आप कर रहे होते हो। तो यहां पे इवेंट जो है, जो मैं पॉसिबिलिटी आप लोगों को बता रहा था, ए यूनियन बी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो पहला इवेंट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2, 4 आ जाए, 2 आ जाए या 4 आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 आ जाए तो दूसरा इवेंट हो जाएगा,
लेकिन सिक्स आ जाए तो दोनों इवेंट एक साथ भी हो सकते हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर तीनों कैटेगरी आपके पास आ रही होती है, इनको आप बोलते हो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे इवेंट होते हैं जो एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते, जैसे इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना, ये एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये उनके लिए होता है जब आपके इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अगर आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं ना, तो एक साथ तो वो आ ही नहीं सकते, मतलब उनके एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फॉर एग्जांपल एक इवेंट है इवन नंबर आना, एक इवेंट है ऑड नंबर आना, ये क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब वहां पे आपका फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये वाला फॉर्मूला आप उस वक्त यूज करते हो जब आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जिनको आप डिसजॉइंट भी कहते हो कि यार एक साथ ये परफॉर्म नहीं हो सकते। तो वहां पे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे बी की प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसको आप कहते हो लॉ ऑफ एडिशन। याद रखो ये और की कंडीशन होती है, या तो ये इवेंट परफॉर्म करना है या ये इवेंट परफॉर्म करना है, तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर रहे होते हो। लेकिन अगर आपके पास अब सिचुएशन आ जाए कि आपको दो इवेंट एक साथ परफॉर्म करने को बोला जाए, जिसको वो आपको लिख के देंगे एंड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, के मतलब ए भी इवेंट हो बी भी इवेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो दोनों अगर लिखा हुआ, मैथमेटिकल इसका सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। और निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन याद रखना ये जस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होता है, मैं पूरा लिख देता हूं, हर जगह पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो आप ए और बी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ये उसी वक्त होगा अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, वरना आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर आप लोगों को याद हो, हमने पहले भी मल्टीप्लाई वाला काम किया है, हालांकि वहां पे इवेंट्स डिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन जरा सिचुएशन को समझो, मल्टीप्लाई करना प्रोहिबिटेड नहीं है, ए और बी की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना इंडिपेंडेंट के अलावा ये प्रोहिबिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट वाला केस डिस्कस करते हैं, वो जो आपने मार्बल का पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल दो ब्लू मार्बल है तीन रेड मार्बल है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहली ड्रॉ में जब आप उठाओगे उसको तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी गो अपॉन फाइव होगी, दो ब्लू है टोटल पांच है। दूसरी दफा ब्लू बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो यहां पे फर्क है, कंसीडर कर लो ये इवेंट ए है पहली दफा, ये इवेंट बी है। यहां पे जो मैं प्रोबेबिलिटी लिखने लगा हूं ना बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन यहां पे मैं सवाल है पहले बोल दूं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सवाल है, मतलब मैं इसको डिपेंडेंट करना चाह रहा हूं। तो आपको पता है कि डिपेंडेंट वाले केस में विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में ब्लू की ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन अपॉन फोर। कैसे निकलेगी, जब एक ब्लू वाला आपने उठा लिया तो पीछे एक बचेगी, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी रह जाएंगी, अब पहले पांच थी अब टोटल चार रह जाएंगी। तो ये जो आपने निकाली है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं आप बोलते, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए बोलते हो। That's why मैंने बोला था कि मल्टीप्लीकेशन, हालांकि इस केस में आप 2.5 और 1.4 को मल्टीप्लाई करोगे एंड वाली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, लेकिन मैं तभी कहा था मल्टीप्लाई करना प्रोहिबिटेड नहीं है। हाँ ऑब्जर्व करना, डिपेंडेंट के अंदर आप पी बी और पी ए को मल्टीप्लाई नहीं करते, आप पी ए और पी बी गिवन ए को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब इस वाली चीज और इस वाली चीज को मल्टीप्लाई करते हो। तो मल्टीप्लीकेशन मना नहीं है, मल्टीप्लीकेशन दोनों की आप उसी वक्त करोगे जब इवेंट्स वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो इवेंट्स डिपेंडेंट हैं तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे गिवन दैट पहला वाला अगर हो जाए, मतलब पहला वाला इवेंट अगर परफॉर्म हो जाएगा तो दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी में फर्क होगा ना, तो वो आप निकालोगे और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये वाला काम डायरेक्ट निकालने वाला काम, इसमें मैंने डायरेक्ट कोई कंसिडर नहीं किया, बी के तो मैंने डायरेक्ट निकाल ली थी ना, तो ये वाला काम आप उसी वक्त करोगे जब इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है। तो ये एक छोटा सा फर्क है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ये वाला काम आप करोगे, और अगर इवेंट्स डिपेंडेंट है तो फिर हम क्या काम करते हैं, फिर हम करते हैं ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है, या इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है सवाल में आपने नोटेशन क्या लिखी है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ये फॉर्मूला उस वक्त यूज करोगे जब आपके इवेंट्स डिपेंडेंट है। अच्छा मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, फिर हम डिपेंडेंट, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इस पे बाद में आते हैं। एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि आपने जब तक अश्योरिटी नहीं होगी कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तब तक ये मल्टीप्लाई वाला काम नहीं करना। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं कि यार मैंने एक कॉइन जो है उसको टॉस किया है, दो इवेंट मैंने डिफाइन किया, इवेंट ए है टेल आना, इवेंट बी है हेड आना। मैं आपको बोलता हूं मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैंने कॉइन टॉस किया, मेरे पास हेड भी आ गया मेरे पास टेल भी आ गया, एक ही कॉइन टॉस किया मैंने,
मैंने कॉइन टॉस किया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी जीरो है इसकी, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, मतलब एक साथ परफॉर्म हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, एक साथ कैसे परफॉर्म होंगे वो, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपने इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो फंसाओगे, क्यों, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, आप मल्टीप्लाई करोगे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है, जबकि आपको पता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, यहां पे ये जीरो है ना, लेकिन ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला आपको 1/4 दे रहा है, उसकी वजह ये है कि ये वाला फॉर्मूला आपने इंडिपेंडेंट के अंदर यूज करना है, यहां ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड को आप इस तरह समझो कि एक इवेंट के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो आप दूसरे इवेंट को आसानी से बता सकते हो। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए मैंने कॉइन टॉस किया, मेरे पास टेल आ गया, मतलब इवेंट ए परफॉर्म हो गया, अब इसकी बेसिस पे आप इवेंट बी के बारे में बता सकते हो कि यार इवेंट बी परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरे पास टेल आ गया तो इवेंट बी कैसे परफॉर्म होगा। तो जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं ना ये सब, एक रेयर केस हो सकता है कि जिसमें कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, उसमें ये बात वैलिड नहीं होगी जो मैं बताने लगा हूं, कि अगर इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो डिपेंडेंट होंगे लाजमी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं कि दोनों एक साथ इवेंट परफॉर्म नहीं हो सकते, अगर ए इवेंट परफॉर्म हो गया है तो आप ये बोल सकते हो बी परफॉर्म नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बी डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, अगर ए परफॉर्म होगा तो बी नहीं हो सकता, अगर बी परफॉर्म हो गया तो ए नहीं हो सकता, तो जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं वो डिपेंडेंट तो लाजमी होंगे। तो दैट्स व्हाई मैंने बात बोली हर दफा मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने अक्ल यूज करनी। इसी तरह कुछ ऐसे सवाल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाय को अगर आप फेंक रहे हो, एक है कि आपके पास कोई इवेंट नंबर आ रहा है, इवेंट ए इसको डिफाइन करते हैं, इवेंट बी क्या है कि आपके पास नंबर 3 से ग्रेटर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6, ये इवेंट एक साथ मैं डाय फेंका, ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, अगर आप मल्टीप्लाई वाला काम करोगे फंस जाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 मतलब 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी 1/2, मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4, जबकि आपको पता है एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं है, कैसे, आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करो, तभी मैंने कहा था हर जगह मल्टीप्लाई नहीं करना, सवाल में कि इंफॉर्मेशन आपको दी हुई कि इंडिपेंडेंट है, भाई देखो अगर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपको पता है यार ये तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये वाला केस है कि आपको नहीं पता वो इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन, तो आपने वहां पे ये वाला काम नहीं करना, आपको किसने कहा कि आपने मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, आपने लॉजिक यूज करनी है, अक्कल से निकालना है, बाकी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आप, तो अगर बाकी कॉन्सेप्ट को आप देखो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं, 2, 4 और 6 आ गया तो इसका मतलब दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, 2 आउटकम है टोटल 6 है तो एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, मल्टीप्लाई वाला काम कर जाओगे गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों ने कुछ पॉसिबिलिटीज काफी आसान होती है, आपको डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि यार इंडिपेंडेंट है, आप मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा आपके पास, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिसमें आपको पता नहीं होता, तो आपने वहां पे कुछ और डेटा का इस्तेमाल करना है, जैसे यहां पे आपने इस डेटा का इस्तेमाल करके निकाली है, यहां पे आपने अपनी अक्ल यूज किया कि भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई आपने वो कॉन्सेप्ट लगाया यहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने हर दफा मल्टीप्लाई नहीं करना होता, अगर गिवन है तब करो, अगर गिवन नहीं है तो आपने कोई और डेटा इस्तेमाल करके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। रही बात ये लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को बताया, अच्छा लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन असल में ये है, इसके अंदर एक कंडीशन लगा के उसको इस फॉर्म में बना देते हैं कि अगर इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होंगे तो ये वाली चीजें जो है ना ये ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। कहने का मतलब इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब जरा इसमें आ जाओ कि ये डिपेंडेंट, मैंने एक ऑर्डर वाइज क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है तो मैंने अपने पास लिखा हुआ है, बुक की एग्जाम्पल भी इससे कवर हो रही है, तो ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ने लगे हो ना इसको आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आप ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो डिपेंड कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तो उस प्रोबेबिलिटी को आप कहते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक होगा अनकंडीशनल, नॉन कंडीशनल कुछ भी बोल दो, वो ये है कि यार इस पे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, जैसे यही जो अभी मैंने आप लोगों को कॉइन का बताया है इसको अगर आप चेंज कर दो, फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं इंडिपेंडेंट कर देता हूं और वहां पे आप मल्टीप्लीकेशन वाली टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसे आपने कॉइन टॉस किया, इवेंट ए है टेल आना, इवेंट बी है फॉर एग्जाम्पल हेड आना, ठीक है, तो अगर आपने कॉइन को टॉस किया, अब हम इसको क्या करते हैं 2 दफा टॉस करते हैं, कॉइन को आपने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास टेल आए, मतलब पहली में टेल आए दूसरी में आपके पास हेड आए, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, मतलब क्या है कि पहले में आपके पास टेल आए, इवेंट ए ये है, इवेंट बी क्या है जो दूसरी दफा आपने कॉइन टॉस किया उसमें हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हो, या दूसरी दफा टेल आ जाए कुछ भी आप कर सकते हो,
तो पहली दफा जब आप कॉइन टॉस करोगे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, ठीक है। दूसरी दफा जब आप कॉइन टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पहली में टेल आ गया दूसरी में हेड आ गया, एंड की बात कर रहा हूं कि पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे इवेंट ए में अगर टेल आ जाए तो क्या आप इवेंट बी के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो कि इवेंट ए में टेल आ गया तो अब इवेंट बी में तो हेड ही हेड आएगा, या इवेंट बी में तो अब टेल ही टेल आएगा, आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे उसमें आप कर सकते थे, जो पुराने एग्जांपल मैंने बताई है कि अगर टेल आ गया तो हेड नहीं हो सकता, जब सिंगल हमने टॉस को कॉइन किया था, कॉइन को टॉस किया था, तो अगर इवेंट ए परफॉर्म हो रहा था तो मैं बता सकता था इवेंट बी परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन यहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर इवेंट ए में टेल आ रहा है मुझे नहीं पता इवेंट बी में क्या आएगा, इंडिपेंडेंट है यहां पर, तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसका एक और तरीका भी वही है ना कि जब दो एक कॉइन को आप दो दफा टॉस कर रहे हो तो चार पॉसिबिलिटी बनेगी। ये एक पॉसिबिलिटी है तो मतलब हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, इस तरह की थी ना, तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी है कि पहली दफा टेल आना दूसरी दफा हेड आना, तो 1/4 उस तरह भी आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये काम आप आसानी से कर सकते हो। तो अब जरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बतानी है कि कंडीशनल डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होती है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट में फर्क क्या होता है। बहुत ही मशहूर ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले सवाल होते हैं ये हमेशा डिपेंडेंट वाले होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल उठाया उसको साइड पर रख दिया, अब जब आप दूसरी उठाओगे तो वो डिपेंड कर रहा है पहले के ऊपर क्योंकि पहले उठा के आपने साइड पर रख दिया। इसी तरीके से कार्ड है कि फॉर एग्जाम्पल पहला कार्ड आपने उठाया किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52। दूसरी दफा जब आप कार्ड को उठाओगे तब किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/51, क्योंकि पहली दफा पहले इवेंट आपने परफॉर्म कर लिया जिसका असर दूसरे के ऊपर पड़ेगा क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं किया। अगर तो आप उठा के उसी के अंदर रिप्लेस कर दो ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी दफा भी किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52 हो जाएगी। तो कंडीशनल में एक ही चीज है कि भाई जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे पे उनका असर पड़ रहा होता है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो किस्म के सवाल आपके पास आ सकते हैं, या तो आपके पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेंगे आपको, या कंडीशनल में आपको किसी इंटरसेक्शन की निकालने को बोलेंगे। इंटरसेक्शन की मार्शल आप निकाल चुके हो, अगर मैंने जितने एग्जांपल आपको मार्बल की दी है, कार्ड्स की दी है, तो इंटरसेक्शन की आप निकालते थे ना कि पहले पे किंग आ जाए और दूसरे पे भी किंग आ जाए, ये इंटरसेक्शन है ना, पहले पे किंग एंड दूसरे पे किंग, तो ये इंटरसेक्शन की कैसे निकालते थे, पहली दफा प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरी दफा थी 3/51, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लिया करते थे। और फॉर्मूला देखो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते थे। कैसे, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब है कि पहला इवेंट जो परफॉर्म हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे पहली दफा आप किंग निकाल रहे हो क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/52, मल्टीप्लाई करोगे दूसरे की, और दूसरे को आप किस तरह लिखोगे, PB/A। ये जो यहां पे ये जो लिखी हुई है ना वर्टिकल लाइन एक लगाई हुई है, स्लैश तो नहीं है, खैर वर्टिकल लाइन जो लगाई हुई है इसका मतलब गिवन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका मतलब क्या है कि बी की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि ए ऑलरेडी हो चुका है। अब फर्क है, अगर ए नहीं होगा तो बी की प्रोबेबिलिटी अलग है, लेकिन इसी को इस तरह समझ लो कि जो मैंने पहले इवेंट में किंग उठाया था अगर मैं उसको वहीं पर रख दूं तो अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हुए आप यही अस्यूम करोगे कि ए नहीं हुआ, क्योंकि ए में आपने कार्ड उठा के दोबारा रख दिया तो ए की तो इंपॉर्टेंस कुछ नहीं रही ना, एज्यूम कर लो ए हुआ ही नहीं है, तो अब बी की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, अब बी की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी। लेकिन अगर ए हो जाएगा तो अब बी की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है यहां पे, तो उसको आप कैसे लिखोगे, बी गिवन ए कि ए हो चुका, अब बताओ बी की प्रोबेबिलिटी क्या है यहां पे। इसकी और एग्जांपल भी बहुत आप देखोगे, तो डायरेक्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर दिया करते थे और आपके पास इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाया करती थी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी यही है, बस फर्क है कि आप ए बी किसको नाम दे रहे हो, यहां पे जो पहला इवेंट है उसको बी बोल दो, कि फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल को चेंज कर दो कि सबसे पहले आप बी इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, मतलब पहला इसको अलग कर लेते हैं कि पहले में किंग आ जाए दूसरे में आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्वीन आ जाए, सिंपल इस तरह समझते हैं, ठीक है। तो क्वीन अब फॉर एग्जाम्पल ये इवेंट ए था ये इवेंट बी था, तो इसमें तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल को चेंज कर दूं कि पहले पे मेरे पास क्वीन आ जाए, मतलब पहले मैं इवेंट बी परफॉर्म करना चाह रहा हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/52। फिर मैं इवेंट ए परफॉर्म करूंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी, मतलब बी हो चुका, अब मुझे बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/51 ही हो जाएगी।
लेकिन नोटेशन का हल्का फुल्का फर्क क्या है वो डिपेंड करेगा कि सवाल में क्या नोटेशन है उसके मुताबिक आप ये फॉर्मुला यूज कर रहे होते हो। तो एक तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी सॉल्व भी किए हैं, आगे जाके आप लोग सॉल्व भी करोगे। एक सवाल वो होते हैं कि जिसमें आप कोई इवेंट निकाल रहे होते हो, आपको इंटरसेक्शन की गिवन होती है और आप कोई खास इवेंट निकाल रहे होते हो। अच्छा, ये जो इवेंट की एग्जांपल है ये आप लोगों की बुक से मैंने पिक किया, पेज नंबर 205 पे एग्जांपल आपको मिलेगी। यहाँ पे अभी आपने एग्जांपल में देखा था इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, अभी आप देखना इंटरसेक्शन की आपको गिवन होगी आप निकाल लोगे, वो तो सवाल में आसानी से डेटा से आप निकाल लोगे, असल चीज ये निकालनी होगी आपको। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये चीज आप निकाल रहे होंगे, इंटरसेक्शन तो आप डायरेक्ट भी निकाल लोगे। अब ये बुक में एग्जांपल है पेज नंबर 205 पे, एग्जांपल नंबर 1 है। इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि एक डाई को आपने रोल किया है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस डाई पे 2 आ जाए। अगर तो सवाल इतना होता तो आप कहते हैं 1/6 प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सवाल इतना नहीं है। सवाल ये कि ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब 2 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, गिवन दैट इवन नंबर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, मतलब आपको ये चीज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन दैट बी ऑलरेडी आपके पास इवेंट हो चुका है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, याद रखो आप जब प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो डिनोमिनेटर में आपके पास सैंपल स्पेस आता था, ठीक है, एन एस लिखते थे, लेकिन यहां पे आपका सैंपल स्पेस नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, इवेंट बी होगा, जो परफॉर्म हो चुका है ना वो नीचे आएगा। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब सिंपल ये है कि एक बात बताओ, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे सैंपल स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट होता था कि यार टोटल आने के कितने चांसेस हैं? जब मैं डाई फेंकूंगा तो मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं। मुझे 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1/6 चांसेस हैं। लेकिन जब आपको सवाल में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि इवन नंबर आ चुका है, मतलब 1, 3, 5 तो आ ही नहीं सकते। जब आपको बोला कि इवन नंबर आ चुका है मतलब या तो 2 आया होगा या 4 आया होगा या 6 आया होगा, बाकी तो आ ही नहीं सकते ना, इलिमिनेट कर दिया उन्होंने सारे। तो अब जो आपके 2 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, भाई इसको लॉजिकल बात समझो, अगर आपके पास 6 ऑप्शंस हैं किसी एमसीक्यू को सॉल्व करने के और एक पे अगर आपने तुक्का मारना हो तो कितने कम चांसेस है कि वो ठीक होगा। लेकिन अगर आप 3 को एलिमिनेट कर दो, आपको 100% पता चल जाए 3 गलत है, जो बाकी 3 है उसमें से आपने तुक्का मारना है, तो जाहिर सी बात है इसका चांसेस अब ज्यादा हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हो रहा है कि आपको बोला कि इवेंट बी परफॉर्म हो गया, मतलब आपके पास कोई इवन नंबर आ गया, वो या तो 2 हो सकता है या वो 4 हो सकता है या वो 6 हो सकता है, 1, 3, 5 तो हो ही नहीं सकते, बात ही खत्म उन्होंने कर दी है। तो अब जो आपका सैंपल स्पेस है वो है 2, 4, 6, ये 3 ही हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है, जैसे वहां पर जो था नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस वो आएगा। रही बात ऊपर क्या आएगा, ऊपर आप देखोगे के देखो एक बात को ऑब्जर्व करो, यहां पे मैं एक और चीज बताने लगा हूं। इस फॉर्मूले को पहले मैं टेढ़ा कर देता हूं, इस तरह लिख लेता हूं, इस वाले फॉर्मूले बी को डिवाइड कर दो वहां जाके, तो ये फॉर्मूला इस तरह बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बनेगा ना अगर आप डिवाइड कर दोगे। देखो जो इस बात को ऑब्जर्व करो, इवेंट ए जो है वो 2 आना है। अगर सवाल को मैं थोड़ा चेंज कर देता, मैं आपको बोलता कि इवेंट ए है 1 आना, गिवन दैट आपके पास इवन नंबर आ गया, अब आपके ख्याल में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती? 0 होती। क्यों 0? इसलिए होती है कि आपको सवाल में पहले ही बोल दिया कि इवन नंबर आपका आ गया, मतलब या तो 2 आया होगा या 4 आया होगा 6 आया होगा, तो फिर 1 तो आ ही नहीं सकता, 1 के चांसेस तो 0 होंगे वहां पे। तो वहां पे आप क्या बोलोगे, भाई इस चीज के चांस 0 होंगे। उसकी वजह यह है कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ कॉमन ही नहीं है ना, ये तो वही बात है आपके सैंपल स्पेस में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको बोला जाए 7 की प्रोबेबिलिटी निकालो, आप कहोगे भाई 0 होगी, क्योंकि जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो बोल रहे हो वो तो सैंपल स्पेस के अंदर ही नहीं है। यही काम आपने करना है यहां पे कि जो 1 है वो तो सैंपल स्पेस के अंदर ही नहीं है, आपका सैंपल स्पेस अब बी है, तो इसका मतलब ए आने के चांसेस तो 0 है आपके, क्योंकि पहली सवाल में बोल देता कि बी आ गया मतलब कोई इवन नंबर आया है, उसका मतलब 1 तो आ ही नहीं सकता। तो न्यूमरेटर में आपने लिखना है कि जो ए और बी के अंदर कुछ कॉमन है वही तो लिखोगे। अब यहां पे इनके अंदर क्या कॉमन था? 0 था, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 0, आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैं ऊपर लिखूंगा 2, तो इसका मतलब अब इसके दरमियान क्या कॉमन है? अब इसके दरमियान 1 कॉमन है। 1 कहने का मतलब इसके अंदर इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 1 एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप ऊपर हमेशा क्या लिखोगे? कॉमन एलिमेंट्स। अब आपकी चीज बैलेंस होगी और ये बात लॉजिकल भी है, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3, इसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मैं लिखता हूं, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्यों लिख रहा हूं, आपने क्या ऊपर लिखना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है हमेशा उसको लिखना होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है, मेक सेंस भी कर रहा है। क्यों? आपके पास 3 ही तो ऑप्शन थे, इवन नंबर आ गया ना, तो या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, तो इसमें से 2 आने के कितने चांसेस होंगे? 1/3,
भाई तीन ही ऑप्शन है, उसमें से एक आने के कितने चांसेस होंगे, 1/3 हो गए। ये बात लॉजिकल है। ये बात मैंने फॉर्मूले से भी आपको समझा दी कि न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन बी, कि यार इनके दरमियान, क्योंकि ये तो सैंपल, यही काम तो बाकी में भी करते थे। अगर आपको याद हो मैं बोलूं कि यार एक डाई मैंने फेंका है उसके 6 आउटकम है, बताओ कि उसके अंदर नंबर 3 से कम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3 से कम नंबर कौन कौन से देते हैं, 1 और 2। तो आप क्या करते थे, आप देखते थे यार इस वाले सेट में और जो सैंपल स्पेस में उसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन है, उसमें 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप क्या लिखा करते थे, 2/6। वो कॉमन ही तो लिखा करते थे आप, अगर आप उसको उस एंगल से समझो तो वो कॉमन ही तो लिखते थे कि इस वाले सेट और उसमें कॉमन क्या, हालांकि सबसेट है ना, ये वाला सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। तो अगर आप बात को समझो तो इंटरसेक्शन ही लिखते थे, सेम काम तो वही आप यहां पे कर रहे हो। आप देख रहे हो इसमें इंटरसेक्शन क्या है, 1 है, 1/3 आ जाएगा। तो ये कंडीशन, अब देखो ये किसी खास इवेंट की निकाली, यहां पे आपने इंटरसेक्शन ही निकाल रहे। अच्छा अब बच्चों के जहन में सवाल है कि सर यहाँ पे फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी है और आपने नंबर नंबर लिखा है, कहने का मतलब ये है कि आप इसको प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना, जैसे इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, इसको भी डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, अब ये क्या बनेगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस फॉर्मूले से निकालो तब भी एक ही आंसर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था जो मैं शुरू में दे दिया था, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला निकाल रहे हो उससे, मतलब ये फॉर्मूला उसी से आ रहा है। तो आप इसको कैसे समझोगे, इसका मतलब भी वही है भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहां पे, 2, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। मतलब इसको इस तरह समझो कि आपको अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, अब जब आप ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, तो अब आपने सैंपल स्पेस लेना है पूरा, अब सैंपल स्पेस बी को नहीं लेना, वो पहले कॉन्सेप्ट था। अगर आप प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मुला यूज कर रहे हो तो अब आपने ओवरऑल पूरा देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक आने के कितने चांसेस हैं, मतलब 2 कॉमन है ना इनके दरमियान, तो ओवरऑल 6 आउटकम्स हैं, तो एक ही कॉमन है इनके दरमियान, 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। सॉल्व करो, आंसर अभी भी 1/3 आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, लेकिन असल कॉन्सेप्ट वही था जो सवाल में मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, जिसके तहत बुक में उन्होंने एग्जांपल सॉल्व की है। अगर आप बुक की एग्जांपल में आओ तो यही चीज उन्होंने पूरी मेंशन की है। अच्छा फॉर्मुला उन्होंने प्रोबेबिलिटी वाला लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने 1/3 लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहो तो ये वाली कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हो, बल्कि एग्जाम में ये वाली कैलकुलेशन करना, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना, फिर डिनोमिनेटर कैंसिल करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे भी आ जाओ, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है। लिखा हुआ है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसके अंदर 2 चिल्ड्रन है। अब भाई 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली में आपके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, या तो बॉय या फिर गर्ल, इसी तरह बॉय बॉय, इसी तरह गर्ल गर्ल, या फिर गर्ल बॉय, मतलब पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या दोनों बॉय हो दोनों गर्ल हो, या पहली गर्ल दूसरा बॉय हो, ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी ना, अगर आपके मतलब आपके नहीं मतलब फैमिली के 2 बच्चे हैं। तो लेकिन आप डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एक बॉय और एक गर्ल की। अब देखो वैसे अगर आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी निकालो, इसको डिफाइन कर लेना बुक में, स्टेप्स लिखे हुए, लेट ए एक इवेंट है जिसमें एक बॉय एक गर्ल हो, ये पूरा डिफाइन कर लेना। वैसे अगर आपसे बोला जाए तो यार इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कैसे, एक बॉय एक गर्ल ये 2 आउटकम है, कैसे सॉल्व करोगे, 2/4 जो कि बराबर होगा 1/2 के। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था, सवाल क्या क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय, मतलब उन्होंने आपको ऑलरेडी कंडीशन दे दी है कि पहला जो हुआ है ना उनका बच्चा वो बॉय है। अब बताओ कि एक गर्ल और एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे यहां पे आओगे, अच्छा मे भी आपको यहां पे फर्क नजर आए, शायद 1/2 ही आ रही है यहां, लेकिन अगले वाले सवाल में भी आपको फर्क नजर आ सकता है। तो जब उन्होंने बोल दिया कि पहला बच्चा बॉय है, तो अब देखो आपके सैंपल स्पेस चेंज हो जाएंगे, अब आपका क्या होगा, ये वाला है ठीक है। आप जिस इवेंट की बात कर रहे हो ना, उन्होंने बोला है कि गिवन दैट फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय, तो आप नाम दे देना पहले इवेंट को, नाम दे देना 1 बॉय एंड 1 गर्ल जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय, इस तरह डिफाइन कर देते हैं कि 1 बॉय 1 गर्ल, इसको ए नाम दे देना और बी को नाम देना जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बॉय है ठीक है। अब इन दोनों के अंदर लिखना है कि फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, जो बी है इसमें फर्स्ट बॉय होना चाहिए, इसमें है बी जी और बी बी। अब आपका ये सेंट्रल स्पेस बन गया, क्योंकि सवाल में पहले उन्होंने बोल दिया कि जो पहला हुआ है वो बॉय है, इसका मतलब ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती ना, इन कंडीशन में तो पहली गर्ल है, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, आप इनको निकाल देना, आपका ये सैंपल स्पेस बन गया पूरा ठीक है। उसके बाद ए की बात करें, ए में क्या है, पहला बॉय दूसरा गर्ल,
मतलब पहला बॉय दूसरा गर्ल नहीं, एक बॉय एक गर्ल, तो उसमें ये वाला आउटकम आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा। लेकिन अब आप यहां पर खुद देखोगे कॉमन क्या है यहां पर, क्योंकि मैंने पहली बात बोली है कि अब आपका ये सैंपल स्पेस बन गया, ये सैंपल स्पेस है ना। अब ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ये पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि पहली गर्ल हुई है, लेकिन सवाल में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि पहला बॉय हुआ है आपका, इसका मतलब आप इसको निकाल दोगे, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहां पे। तो अगर वैसे अगर आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस है टू, ठीक है, और कॉमन क्या है यहां पे, बी जी ये कॉमन है, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहां पे आपको ये बात नजर आ रही होगी कि इसमें अगर आप गिवन दैट वाली कंडीशन यूज करो या ना करो, प्रोबेबिलिटी तो आपको सेम नजर आ रही है कि अगर आप निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल, तो ये दो आउटकम होते हैं, आप 2/4 करते प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, और ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट लगा के भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है। लेकिन ये हर दफा नहीं होगा, ये कभी कभी आपको इस तरह आपके नजर आ रहा होता है, हर दफा ऐसा नहीं होगा। वो अगले पार्ट में आपको ये बात समझ आ जाएगी। अगला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि दो गर्ल्स हो, तो अब आपने इवेंट ए को डिफाइन करना है दो गर्ल्स जिसमें एक ही आउटकम आएगा ये। और अच्छा, अगर जस्ट आपको ये बात बोली जाती कि प्रोबेबिलिटी निकालो दो गर्ल्स हो, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते, एक आउटकम है टोटल चार है 1/4 निकालते, लेकिन 1/4 यहां पे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे कंडीशन में लिखी है। कंडीशन क्या है, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक जो है वो गर्ल है, तो उसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। तो जो इवेंट बी है आपका वो क्या हो जाएगा, या तो बी जी या जी जी या जी बी, क्योंकि उन्होंने बोला एक तो गर्ल है, ये तो हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं एक गर्ल है उसमें से, तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब आपका सैंपल स्पेस ये रह गया, तो जो आपका आंसर है ये सैंपल स्पेस है, ये वाली चीज हो ही नहीं सकती। तो अगर सिंपल लिखा होता प्रोबेबिलिटी और बताओ टू गर्ल्स की, तो वो 1/4 हो जाती, लेकिन जब आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गिवन दैट कि एटलीस्ट एक गर्ल है, ये आपका अब सैंपल स्पेस बन गया। तो अब आप कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी, सिंपल कॉमन क्या है इसमें से एक ही है ना, तो 1/3 यहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला यूज करोगे, ये तो मैंने ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था ना ये यूज किया था ना, अगर आप प्रोबेबिलिटी वाली कैलकुलेशन करोगे तो वो भी कर सकते हो कि इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, इस वाले की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर 1/3 आ रहा होगा। और आखिरी चीज जो मुझे इस टॉपिक में बतानी है वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट को आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। वेन डायग्राम का क्या मतलब है यहाँ पे, किसी एक एग्जाम्पल को, इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं वेन डायग्राम से तो शायद हमें आसानी हो जाए। हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, किसकी बात करते हैं, इसके अंदर दो तीन, हाँ इसी की बात करते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं, यही चीज आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वेन डायग्राम जरा बनाते हैं इन दोनों इवेंट्स की, पहले वाले इवेंट को ओवरऑल, ये तो सैंपल स्पेस है ना, इसके अंदर चारों के चारों आ गए यहाँ पे, ठीक है। पहला इवेंट क्या था, एक बॉय एक गर्ल, और दूसरा क्या था कि फर्स्ट वाला जो है वो बॉय होना चाहिए, तो बी जी जो कॉमन है वो मैं दरमियान में लिख देता हूं। अच्छा, यहां पे है जी बी और यहां पे है बी बी, और एक चौथा आउटकम है जो कि बाहर होगा सैंपल स्पेस के, वो इसमें से कहेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर आप वेन डायग्राम से समझोगे ना, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो इवेंट हो गया है वो अब आपका सैंपल स्पेस है। पहले तो ये पूरा सैंपल स्पेस होता था ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता है कि जो इवेंट परफॉर्म हो गया वो आपका सैंपल स्पेस है। जैसे हमने बोला कि बी इवेंट जो है परफॉर्म हो गया है, पहला जो चाइल्ड है वो बॉय है, इसका मतलब अब जो आपका आउटकम है वो ये वाला है पूरा, मतलब जो सैंपल स्पेस है वो ये वाला है। ये तो शामिल कर ही नहीं सकते ना, पहला जो आपका चाइल्ड है वो तो बॉय है, ये आपने कंसीडर करना है। तो ये पूरा आपका सैंपल स्पेस बन गया जो कि डिनोमिनेटर में आपके आएगा, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, जो उन्होंने बात बोली थी कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट एक बॉय हो और एक गर्ल, मतलब वन चाइल्ड, मतलब वर्डिंग उनकी ये थी ना कि वन बॉय एंड वन गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी। तो मतलब इंटरसेक्शन आप इसमें से देखोगे, जो वही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि आपने इंटरसेक्शन देखना होता है कि जो सैंपल स्पेस है आपका, अब आपका ये सैंपल स्पेस है और जिस इवेंट की आपसे बात की जा रही है उसमें इंटरसेक्शन क्या है। तो एक इंटरसेक्शन है बी जी, मैं इसको इस तरह बना देता हूं। तो अगर आप डायग्राम से भी देखो, आप क्या करोगे, आप इंटरसेक्शन वाले रीजन को डिवाइड करोगे इस बी वाले रीजन से, तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन वाले में एक है और बी में पूरे दो है, तो 1/2 यहां से भी आपको बात समझ आ रही है। तो वेन डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करो तो सिंपल जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है उसको आप डिवाइड करते हो ओवरऑल पूरे बी से, तो आपके पास आसानी से प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो वेन डायग्राम से भी इस बात को आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट हो रही होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पर भी काम आ सकता है जहां पे आपके पास जस्ट डायग्राम गिवन है
फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिचुएशन को दे दी जाए, इसको ए बोल दिया जाए, इसको बी, फॉर एग्जाम्पल 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 7 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाला हुआ है, और वो आपको बोले कि यार मालूम करो प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट, नहीं थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, ये आप मालूम करो यहां से। तो अब आपको कोई और सिचुएशन नहीं पता क्या चीजें हैं क्या सब है, लेकिन वेन डायग्राम के जरिए से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आपको यहां पे फॉर्मूला पता है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो b ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब b आपका, सॉरी a ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब a आपका यहां पे सैंपल स्पेस है, ये पूरा a है। a के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 + 2, a के अंदर 7 एलिमेंट है। ऊपर आप लिखोगे जो इनके इंटरसेक्शन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? दो एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन है, तो ऊपर आप लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह अगर आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो अब क्या हो जाएगा? अब आपका सैंपल स्पेस बी है, बी के अंदर एलिमेंट है 2 + 7 = 9 और इंटरसेक्शन के अंदर 2 है, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, सही है। एक और चीज है कि ये वाले फॉर्मूले इसकी फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कैसे? कि जो आपके सामने लिखा हुआ है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अगर इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है। अगर आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ए का कोई असर नहीं पड़ेगा बी के ऊपर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि फर्स्ट पॉइंट पे हेड आना, सेकंड पॉइंट पे टेल आना, अगर ये आपके दो इवेंट है तो फर्स्ट एज्यूम कर लो कि आपको बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि सेकंड पॉइंट पे टेल आ जाए गिवन दैट पहले कॉइन पे टेल आ गया है। इसको इस तरह समझो कि मैंने क्या बोला था, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, तो आप बोलो कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि दूसरे पे हेड आए गिवन दैट पहले पे टेल आ गया है। तो पहले पे टेल आ गया, इसका दूसरे पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो आप यहां पे बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही होगी, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी यहां पे। उसका इससे ताल्लुक नहीं है कि पहले वाले पे टेल आया या पहले वाले पे हेड आया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दैट्स व्हाई जो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उसमें ये चीजें जो है ये आपस में बराबर होती हैं। इसी तरह ये पूरी चीज जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई कंडीशनल जो है ये डिपेंडेंट के लिए है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो ये फॉर्मूला जो है ये इस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। बाकी ये टॉपिक ऐसा है कि इसकी बहुत मुश्किल मुश्किल एग्जांपल्स भी हैं, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत इसके अंदर ब्लूपर्स और ये सब चीजें आई हैं। ये 2-3 घंटे से छोटी सी चीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसा मैं चाह रहा हूं कि प्रिसाइज लैंग्वेज में एक एक एग्जाम्पल से आपके जहन में पूरी बात क्लियर हो जाए कि यार आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इंशाल्लाह मुझे नहीं पता ये किस तरतीब में मैं अपलोड कर रहा हूं, तो मैं नहीं बता रहा अगले लेक्चर में क्या होगा, क्योंकि अगले में क्या मैं अपलोड कर रहा हूं मुझे नहीं पता, तो वो जब अपलोड होगा आप लोग देख लेना। ये वाला टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया, इस वाले वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।